एक नंबर का झूठे केजरीवाल जी, लाख झूठे मरे तो एक केजरीवाल जी पैदा हुए। दिल्ली को नर्क बना के रखा है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, क्या राजनीति चल रही है? इस वक्त पैसे चाहिए, पैसे दो जी। मोदी जी आप इसको जल्दी चेक बना के भेज दो, 5,000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ दो, इन्होंने बहुत सारा टैक्स जमा कर रखा ना उधर आपके पास, क्या किया आपने, दिल्ली को नर्क बना के रखा हुआ है। केजरीवाल जी आप समझो, ये राजनीतिक ऐसे थोड़ा कि लोगों को बेवकूफ़ बना के तो आपने वोट बटोर लिए। तो इस वक्त और यहाँ से जब ये बिहारी बेचारे बिहारी लोग इधर झुग्गियों में माइक से इधर अनाउंस किया लोगों ने, रात को इनकी चाल थी, आम आदमियों की आम पार्टी की चाल थी, रात को जाके इनको अनाउंस किया कि वहाँ से आनंद विहार से फ्री बसें जा रही हैं, चलो चलो चलो, यहाँ से आपको फ्री ले जा रहा है, रेल फ्री जा रही है। इधर बेचारे वो झुग्गियों झोंपड़ियों में बैठे थे चुप करके, मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन है बाहर मत निकलो, जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा फ्री जा रहे, वो बेचारे झुग्गी झोंपड़ी छोड़ के यहाँ से सारे वो जलती आग में, उस वक्त वो कोरोना फैल रहा था, और उठा के तो यहाँ से सबको आनंद विहार पहुँचा दिया, और साथ में बसें लगा दी, बसें भर भर के आनंद विहार छोड़ रहे। ये क्या नाटक है, ये क्या कैसी राजनीतिक है, ये मुझे कोई समझ, मेरे दिमाग से बाहर है काम। केजरीवाल जी इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलने वाला आपको, आपने पैसा उस वक्त सेव करना था ना, इसी के लिए पैसा रखते हैं, कोई आपत्ति आ जाती है, जैसे अभी बंगाल में वो आ गया तूफान आ गया, हाँ जी कोई भूकंप ही आ जाए तो आपके पास क्या है, है कोई रखा था? आपने तो वोट बटोरने थे, मेरा ठप्पा लगाओ जी आम आदमी पे, आम आदमी तो बन गया, अब दो ना जी सैलरियाँ, दो ना, कहाँ से सैलरियाँ दोगे, सैलरी के नाम पे तो आपने, आपने तो वोटों के नाम पे जो पैसा बांट दिया 1,20,000 एक कुंभे को दिया आपने, रिश्वत, रिश्वत के तौर पे रिश्वत से वोट बटोरे हैं, ऐसे नहीं मिले आपको, आपके काम से किसी ने वोट नहीं दिया है कि आपने वाह वाह इतना बड़ा काम किया, हाँ काम ये किया, रिश्वत दी लोगों को 1,20,000 में, मैं दूंगा आपको, लाओ जी 5 साल का 1,20,000 एक कुंभे को दिया, आप मेरे को वोट दो, हद हो गई यार, ऐसा थोड़ा देश चलता है। आप देश के अगर जब प्रधानमंत्री हो जाए तो हमारा तो देश तो बर्बाद हो जाए। केजरीवाल जी ऐसा नहीं है, ऐसे दुनिया नहीं चलती, दुनिया बहुत समझदार है, आज नेट जमाना है, ये नेट से आजकल सब कुछ आपकी गतिविधियाँ सब पढ़ी लिखी दुनिया होगी, सब जानते हैं। इस समय वो जो घरवालियाँ होती हैं वो घर में कुछ ना कुछ रखती हैं, ओके टाइम के लिए, आपने क्या रखा बताइए ना, आपने तो लोगों को वोट वोट मांगने के लिए, मैं सब फ्री कर रहा हूँ, यही फ्री करना, रोटी फ्री करना, पानी फ्री करना, सब कुछ, आप बैठे रहो घर पे, मुझे वोट दो, वोट तो बटोर लिए, अब दो ना सिरली, दो ना तनख्वाह, दो ना। उधर परसों देख रहा था हल्ला मच रहा, पानी के हाहाकार मच गई है, उधर क्या नाम कहते नजफगढ़ साहिब, उधर पानी पीने के लिए नहाने के लिए पानी नहीं, और कोरोना के दौर में वो एक के ऊपर एक चढ़ रखे लोग, लड़ाई झगड़ा हो रहा। जय हिंद प्यारे देशवासियों, मैं प्यारे हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हाल ही में केजरीवाल जी 5,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इमीडिएटली हमको दो, हमें तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल जी आप सुन लीजिए अच्छी तरह से, कान खोल कर, आपने वोट बटोरने के लिए पीछे जनता को तो बेवकूफ़ बना दिया, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर देंगे, बसें फ्री कर देंगे, बस तो है ही नहीं, बस 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 स्टैंड में खड़े रहो तो 3-3 घंटे तक तो बसें नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि मेट्रो भी फ्री करने का विचार था आपका, ये उस वक्त तो फ्री फ्री है। एक घर में एक घरवाली होती है, मेरा ही जैसे खुद का घर है, आपका भी घर होगा, आप जो घर का खर्चा ही देते होंगे, तो वहाँ जो घरवालियाँ होती हैं वो भी तो कुछ ना कुछ सेव उसमें से कर लेती हैं, कि कोई ओखा टाइम आ जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई शादी गमी आ जाए, कोई खुशी का मौका आ जाए, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। जैसे अभी कोरोना आ गया तो आपने कौन सा वो तो सेव रखा जी, आपने तो एक कुंभे को 1,20,000 की रिश्वत देकर तो आपने देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया। रिश्वत कैसे दी मैं आपको समझाना चाहता हूँ देशवासियों। दिल्ली में कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, बस का किराया औरतों के लिए पहले फ्री कर दिया, लेडीज जितनी भी है चढ़ेगी बसों में, DTC बस में तो जगह ही नहीं है, बसें हैं ही नहीं, बस तो कई करोड़ों के घाटे में पहले चल रही है DTC, और बसें हैं ही नहीं, जो बसें थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, और अभी इनके पास पैसा देने के लिए पैसा है ही नहीं, वर्करों को सैलरी देने के लिए नहीं है,
उस वक़्त तो एक हिसाब लगे 200 यूनिट 6 रुपये यूनिट है, 600 1200 और पानी 12 5 1700 500 और रखो किराया बस का 2200 2000 रखो आप महीने का 12 2 24000 गुणा 5 कर दो, 5 साल ही राज किया 5 तो कितना 120000 रुपया एक मीटर पर इसने रिश्वत दी है। वही 120000 इस वक्त हर कुंभे को अभी इस समय देते थे अभी कितनी खुशहाल जनता होती, आप तनख्वाह आराम से बांट सकते थे, मगर आपने वोट बटोरने थे ना, तो वोट कहाँ से मिलते हैं आपको, वोट कैसे मिलते हैं आपको, वोट किसने देने थे आपको, आपकी काम से किसी ने वोट नहीं दिया, आपने लालच दिया है लोगों को, लालच की वजह से लोगों ने वोट दिया आपको। ऐसा नहीं है केजरीवाल जी, अभी हाल पे एक नंबर का झूठे केजरीवाल जी, लाख झूठे मरे तो एक केजरीवाल जी पैदा हुए। वो कैसे, हाल ही में यहाँ से पहली ट्रेन यहाँ से भर के गई अपने इसकी शरणार्थी बेचारे मजदूरों की बिहार के लिए, तो यहाँ से इन्होंने एक चेक की फोटो कापी बनाई इनके मंत्रियों ने और डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया, कहाँ बिहार, लालू प्रसाद के शाहजादे जो अपने तेजस्वी लाल जी हैं लालू के उनको, और उन्होंने तेजस्वी जी ने दबा दब 4 ट्विटर कर दिए कि केजरीवाल जी वहाँ से ट्रेन भर भर के अपने बिहार के मजदूरों को अपने पल्ले से ट्रेन अपनी सरकार की ओर से 19,00,000 का चेक यहाँ से शो कर दिया ट्विटर पे कि ये मैं दे रहा हूँ, हद हो गई। और वो क्या हुआ, यहाँ से वो चेक मड़की फोटो कापी जैसे ही तेजस्वी के पास पहुँची तो उसने 4-5 ट्विटर कर दिए, वाह वाह केजरीवाल जी आपका बहुत धन्यवाद है आपका, हम बड़े शुक्रगुजार करते हैं, हम भी चाहते थे कि हम करें, मगर उधर से प्रियंका गांधी जी फोटो खिंचा रही है जाके, राहुल गांधी जी खिंचा रहे हैं फोटो। केजरीवाल जी अभी आपके पास इस वक्त अगरचे कई करोड़ों कई हजारों करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए था, आपने रिश्वत दे के ये 5 साल जो बैठे ना गद्दी पे ये लोगों को रिश्वत दी है आपने, 120000 पर कुंभे को रिश्वत दे के तो आपने वोट बटोरे हैं, अभी दो ना तनख्वाह, कहाँ से तनख्वाह देनी, 5000 करोड़ रुपया चाहिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से इमीडिएटली भेजो, तनख्वाह देने के लिए नहीं है, दिल्ली तो लंदन बना रहे थे, दिल्ली को नर्क से बद से बेहतर कर दिया आपने, आपने देखा स्कूल बनाने थे, कहाँ बनाए स्कूल, सुबह देखा बच्चों की क्या हालत होती है, सर्दियों में सुबह 6 बजे जब बच्चे वो सर्दी में डुटकते हुए बच्चियाँ यहाँ से जाती है, मैं देखता हूँ 2 शिफ्टें देशवासियों, मैं आपको बताऊँ दिल्ली में स्कूल ही नहीं है, दिल्ली में 2 क्लासें लगती हैं, सुबह लड़कियों की और शाम को लड़के की, सुबह 6 बजे बेचारी बच्चियाँ जाती हैं और सुबह सर्दियों के टाइम में वो अंधेरा होता है और वो ठंड पड़ती है, मांस कटता है ठंड से, और बच्चियाँ वहाँ स्कूल जाती हैं 6 से लेके 12-1 बजे तक और 12-1 बजे से दूसरी क्लास लग जाती है, जबकि स्कूल की कमी नहीं है, आपने स्कूल बनाया कोई कॉलेज बनाया है, हमारे इधर एरिया में जो पश्चिमपुरी एरिया है अपना माधीपुर मंडल है, आपने इधर क्या किया, और दिल्ली में कौन सा कॉलेज आपने बनाया, कौन सा स्कूल बनाया, आपने आश्वासन तो बड़े पिछले वोट बटोरने से पहले आपने बड़ा कुछ कहा था, पिछली जो आपकी राजनीति चली 5 साल जो गुजार दिया आपने, है नी, तो उसमें आपने क्या किया, आप तो लंदन बनाना चाहते थे, ये नर्क बन गया, और सबसे ज़्यादा तो आप कोरोना के पेशेंट तो यहाँ हैं, और उल्टा आपने अब कल में देख रहा था रिपब्लिक भारत में बोल रहे थे कि मैं किस लिए छुपाऊंगा लाशें, छुपाने का क्या मतलब है कि वो बीजेपी का चाल चली, बीजेपी ने कहा क्या चाल चली है, आपको एक लाश का 5 लाख रुपया देना होता है केजरीवाल जी जो कोरोना से मर जाए, तो आपने वो इसलिए छुपा रहे थे कि ज़्यादा मकदार में अगर ये शो हुई लाशें कि कोरोना से मर गई वो नॉर्मल मौत हो गई जी, वैसे वो इसलिए छुपा रहे थे, मैं देशवासियों मैं बता रहा हूँ ये लाशें छुपाने का ये मकसद था केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी ऐसा नहीं है, ऐसे दुनिया नहीं चलती, दुनिया बहुत समझदार है, आज नेट जमाना है, ये नेट से आजकल सब कुछ आपकी गतिविधियाँ सब पढ़ी लिखी दुनिया होगी, सब जानते हैं, इस समय वो जो घरवालियाँ होती हैं वो घर में कुछ ना कुछ रखती हैं ओके टाइम के लिए, आपने क्या रखा बताइए ना, आपने तो लोगों को वोट मांगने के लिए मैं सब फ्री कर रहा हूँ, यही फ्री करना, रोटी फ्री करना, पानी फ्री करना, सब कुछ, आप बैठे रहो घर पे, मुझे वोट दो, वोट तो बटोर लिए, अब दो ना सिरली दो ना तनख्वाह दो ना, उधर परसों देख रहा था हल्ला मच रहा पानी के हाहाकार मच गई है उधर क्या नाम कहते नजफगढ़ साहिब, उधर पानी पीने के लिए नहाने के लिए पानी नहीं, और कोरोना के दौर में वो एक के ऊपर एक चढ़ रखे लोग, लड़ाई झगड़ा हो रहा,
आपने आपने क्या बनाया, दिल्ली को नर्क बना के रखा है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, क्या राजनीति चल रही है। इस वक्त पैसे चाहिए, पैसे दो जी। मोदी जी आप इसको जल्दी चेक बना के भेज दो, 5,000 करोड़ क्या 10,000 करोड़ दो, इन्होंने बहुत सारा टैक्स जमा कर रखा ना उधर आपके पास। क्या किया आपने, दिल्ली को नर्क बना के रखा हुआ है। केजरीवाल जी आप समझो, ये राजनीतिक ऐसे थोड़ा कि लोगों को बेवकूफ़ बना के तो आपने वोट बटोर लिए। तो इस वक्त और यहाँ से जब ये बिहारी बेचारे बिहारी लोग इधर झुग्गियों में माइक से इधर अनाउंस किया लोगों ने, रात को इनकी चाल थी, आम आदमियों की आम पार्टी की चाल थी, रात को जाके इनको अनाउंस किया कि वहाँ से आनंद विहार से फ्री बसें जा रही हैं, चलो चलो चलो, यहाँ से आपको फ्री ले जा रहा है, रेल फ्री जा रही है। इधर बेचारे वो झुग्गियों झोंपड़ियों में बैठे थे चुप करके, मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन है बाहर मत निकलो, जब अनाउंस हुआ तो उन्होंने कहा फ्री जा रहे, वो बेचारे झुग्गी झोंपड़ी छोड़ के यहाँ से सारे वो जलती आग में, उस वक्त वो कोरोना फैल रहा था, और उठा के तो यहाँ से सबको आनंद विहार पहुँचा दिया, और साथ में बसें लगा दी, बसें भर भर के आनंद विहार छोड़ रहे। ये क्या नाटक है, ये क्या कैसी राजनीतिक है, ये मुझे कोई समझ, मेरे दिमाग से बाहर है काम। केजरीवाल जी इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलने वाला आपको, आपने पैसा उस वक्त सेव करना था ना, इसी के लिए पैसा रखते हैं, कोई आपत्ति आ जाती है, जैसे अभी बंगाल में वो आ गया तूफान आ गया, वो आ गया तूफान आ गया, हाँ जी कोई भूकंप ही आ जाए तो आपके पास क्या है, है कोई रखा था, आपने तो वोट बटोरने थे। मेरा ठप्पा लगाओ जी आम आदमी पे, आम आदमी तो बन गया आप, अब दो ना जी सैलरियाँ दो ना, कहाँ से सैलरियाँ दोगे, सैलरी के नाम पे तो आपने आपने तो वोटों के नाम पे जो पैसा बांट दिया, 1,20,000 एक कुंभे को दिया आपने, रिश्वत रिश्वत के तौर पे रिश्वत से वोट बटोरे हैं, ऐसे नहीं मिले आपको, आपके काम से किसी ने वोट नहीं दिया है कि आपने वाह वाह इतना बड़ा काम किया। हाँ काम ये किया, रिश्वत दी लोगों को 1,20,000 में, मैं दूंगा आपको, लाओ जी 5 साल का 1,20,000 एक कुंभे को दिया, आप मेरे को वोट दो, हद हो गई यार, ऐसा थोड़ा देश चलता है। आप देश के अगर जब प्रधानमंत्री हो जाए तो हमारा तो देश तो बर्बाद हो जाए। देशवासियों ये केजरीवाल का हाल था।